नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीवर भारतवर्ष। श्रावणी मेला को देखते हुए डीएम एसपी व एसडीएम के द्वारा धाम का निरीक्षण किया गया है। वहीं बागमती नदी डूबा घाट का भी निरीक्षण के दौरान गोताखोरों एवं नाव रखने का भी निर्देश दिया गया है। शिवहर जिला पदाधिकारी राम शंकर, पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार राय, एडीएम कृष्ण मोहन एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी रजनीश कुमार ने निरीक्षण कर कल से होने वाले श्रावणी मेला को लेकर विधि व्यवस्था का भी जायजा लिया। डीएम ने एसडीएम व एसडीपीओ को श्रावणी मेला के दौरान विधि व्यवस्था की निगरानी रखने के लिए निर्देश दिया है। वहीं मौके पर भाजपा महामंत्री रथकांत गुप्ता उर्फ बच्चू जी, राजद प्रदेश सचिव दीपू वर्मा, मुखिया भाग नारायण शाह, मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार, संजय भारती, संदीप भारती एवं सुजीत भारती आदि वहां पर मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने मंदिर परिसर के सभी 16 सीसीटीवी कैमरे को दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया। वहीं 25 वॉलेंटियर को आई कार्ड बनाने को भी निर्देश दिया गया है। जबकि मेला शौचालय, चलन शौचालय, शुद्ध पेयजल एवं सर्किट हाउस की सफाई एवं मंदिर परिसर की साफ सफाई एवं सहित बिजली की व्यवस्था आदि करने का निर्देशित किया गया है। पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार राय ने निर्देशित करते हुए कहा कि मंदिर परिसर में गर्भगृह में पुरुष वर्ग एवं महिला वर्ग की अलग अलग लाइन में प्रवेश कराया जाएगा। वहीं मंदिर के रास्ते को 10 फीट आवागमन के लिए खाली रखने का निर्देश दिया गया है ताकि आवागमन बहाल रहे। वहीं रविवार एवं सोमवार को दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी तैनात रहेंगे। पार्किंग स्थल एवं NH 104 पर आवागमन को बहाल रखने को लेकर थाना प्रभारी को भी निर्देशित किया गया है। बने रहिए लाइव सीवर भारतवर्ष के साथ। पूरी तरह से मुस्तैद है और हर एक छोटे छोटे बिंदु पर माइनर रूप से ध्यान रखते हुए तैयारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा पूरे पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है, जिससे कि सभी लोग सुरक्षित रूप से यहाँ पर जलाभिषेक कर सके। प्रशासन की ओर से बैरिकेटिंग, लाइटिंग की व्यवस्था और क्या कहता है, चारों तरफ आवागमन, चेंजिंग रूम, महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं है, चेंजिंग रूम की गोताखोर की व्यवस्था, नाव की व्यवस्था, ये सब की जा रही है और पूरी तरह की तैयारी कर ली गई है और कोई तरह का चीज श्रद्धालु को दिक्कत ना हो उसकी खास व्यवस्था ध्यान रखा गया है। इस वर्ष सर 2 महीने का ही मेला लगने जा रहा है, मनमास के चलते 2 माह का लग रहा है, इसलिए 2 माह भी पूरी व्यवस्था रहेगी। इसमें हम लोग पूरी तैयारी रखे हैं और 2 माह तक की पूरी व्यवस्था रखेगी, पूरी प्रतिनिधि जो है पूरा 2 माह के लिए तैयारी की जा रही है। सर देगुली मंदिर का भी निरीक्षण किया गया है, उसमें सर देगुली मंदिर में अंदर भी बैरिकेडिंग का, क्योंकि अंदर काफ़ी भीड़ होती है मंदिर परिसर में, उसमें भी किया गया, सीसीटीवी कैमरा भी ठीक करने का निर्देश दिया गया है और खासकर अंदर गर्भगृह में एसी भी है, उसको भी अपडेट रखने के लिए कहा गया है। वहाँ भी लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की जा रही है। मंदिर परिसर में भी पंडा जी लोग की भीड़, एक जगह किनारे बैठने का व्यवस्था चिन्हित आरक्षी अधीक्षक द्वारा किया गया और फिर पूरी तैयारी मंदिर परिसर के अंदर भी की गई है। वो चल रही है।